पटना एसपी सिटी विनय तिवारी सुशांत राजपूत सुसाइड केस च तेजी लियाउण दे लई इह मुंबई पहुंचे सन पर बीएमसी ने इन्हां नूं क्वारंटीन च भेज दिता। विनय तिवारी हुण 15 अगस्त तक क्वारंटीन रहणगे। इन्हां दे बाहर निकलण ते पाबंदी है, इसलिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई च जांच कर रही बिहार पुलिस टीम के नाल संपर्क विच रहेंगे। हुण इस नूं लैके बिहार पुलिस ते महाराष्ट्र पुलिस के विचकार तनाव होर वध गया। जांच लई मैं टीम नाल मीटिंग करके काम शुरू कर दिता सी। उस तो बाद बीएमसी अधिकारियों ने कहा तुहानू होम क्वारंटीन करना पवेगा। मैं अफसर ऑन ड्यूटी सी तां मैनू लगा कि छोट दित्ती जा सकती है। मैनू महाराष्ट्र सरकार दा हुक्म दिखाया गया सी। इस तो पहला जो साडी टीम आई सी उन्होंने क्वारंटीन नहीं किया गया, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की तहकीकात इस वक्त देश के दो पुलिस महकमे कर रहे ने, पर दोवां च कई तरह के मतभेद। इसका कारण यह मनिया जा रहा है कि मुंबई पुलिस पटना पुलिस नू सहयोग नहीं दे रही। नॉन कॉपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं कि ज्यूरिसडिक्शन उनका बनता है कि नहीं बनता। हम उसके हिसाब से जो भी हमारे पास करेक्ट लीगल, मैंने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो ज्यूरिसडिक्शन हमारी बनती है। अगर उनके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कोई विशेष अधिकार है तो हमको बताया जाए। हम नॉन कॉपरेट नहीं कर रहे, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन कॉपरेशन। पटना पुलिस से मुंबई पुलिस की जांच से फर्क ये है कि पटना पुलिस ने इस मामले च एफआईआर दर्ज की है, जबकि मुंबई पुलिस ने एडीआर दर्ज किया है। एडीआर का मतलब है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। जब भी कोई शख्स खुदकुशी करता है तो सब तो पहला पुलिस एडीआर दर्ज करके ही अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। एक पासे पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत दे रिया चक्रवर्ती दे नाल निजी रिश्तियां नूं लैके चक्रवर्ती नूं मुलजम बनाया ते उन्हां विचकार आर्थिक लैण देण दी पड़ताल कर रही है। तो उधर मुंबई पुलिस इस दिशा च जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री च चल रहे भाई भतीजावाद ते गैंगबाजी दे शिकार होए, जिस कारण उन्हां नूं डिप्रेशन हो गया ते खुदकुशी कर ली। वैसे ये लड़ाई सिर्फ दो पुलिस महकमिया की नहीं है, ये लड़ाई दो सरकारों के विचकार की भी है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। बिहार के सत्ताधारी लीडर चाहते ने कि इस मामले की सीबीआई जांच होवे, तो उधर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच समर्थ है ते सीबीआई नू केस नहीं सौंपिया जाएगा। श्री सुशांत सिंह राजपूत की जो दुर्घटना हुई थी वो 14 जून की घटना है। बांद्रा पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट आई थी उनके घर से इस घटना के बारे में। वहाँ पे पुलिस पहुँची थी, बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहाँ पे उनको डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया गया था। उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में जो होता है कि सीआरपीसी 174 के हिसाब से एडीआर नंबर देकर एक अननेचुरल डेथ का केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 14 जून से उनके घर पे जितने लोग थे उस समय, 4 लोग उनके घर पे उस समय मौजूद थे। उनकी सिस्टर भी पहुंच चुकी थी उस समय तक। उसके अलावा जो चाबी बनाने वाले, ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था, वो भी उस व्यक्ति का भी बयान लिया गया। जितने लोग थे सभी के बयान लिए गए। आज तक 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जितने भी इसमें एंगल
लोगों ने रिपोर्ट किए हमारे सामने आए, हर एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंगल था, हेल्थ रिलेटेड एंगल था, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। हमारे डीसीपी उसे पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और ये अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। मैं अब सर अभी तक क्या निकल के आया, जो 56 लोगों के बयान दर्ज हुए उसमें से क्या निकल के आ रहा है, जांच की दिशा क्या तय हो रही है, किस वजह से सुसाइड किया, डिप्रेशन किस वजह से था उनको? उनको डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक इलनेस है, किस कारण से इलनेस होता है ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था शायद, इस प्रकार का चार जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और क्या सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो एक 174 का इन्वेस्टिगेशन होता है उसके दो निष्कर्ष निकल सकते हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निष्कर्ष निकल सकता है कि इसमें कुछ क्रिमिनलिटी नहीं है, ऐसे में उसे ADR फाइनल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन करके क्लोजर करता है, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कोई क्रिमिनलिटी है तो उसको एक कभी किसी भी समय उसमें IPC के हिसाब से गुना दाखिल करके आगे का इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उनके फादर का ये आरोप है कि हमें मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, और उनके फादर ने जो स्टेटमेंट दिया है रिया चक्रवर्ती के बारे में वो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को नहीं दिया था। श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री उनका नाम क्या था, कृष्ण कुमार सिंह, और उनकी तीन बहनों का नीतू सिंह एंड करिश्मा एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था, हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। ये सभी स्टेटमेंट्स उनके जो ब्रदर इन लॉ पुलिस में हैं श्री OP सिंह, उनकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किए गए थे, जो उन्होंने बताया उसमें उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, लेकिन ये उन्होंने अवश्य कहा था प्रत्येक ने के स्टेटमेंट उन्होंने अपनी जान ली है, ना तो उन्होंने कोई मर्डर का आरोप किया, ना कोई उन्होंने सस्पिशन बताया, और ना किसी व्यक्ति से उनकी शिकायत थी, इस प्रकार के बयान उन्होंने उस समय दिए थे। और जो कानून में CRPC में क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बहुत सैंक्टिटी होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके श्री कृष्ण कुमार सिंह ने मुंबई पुलिस को दी थी, जो उनके स्टेटमेंट के उनकी साइन स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें रिकॉर्डेड है हमारे पास, और उसके ऊपर कानून में भी जो फर्स्ट इन टाइम होता है अनकरप्टेड वर्जन, बिना आपको सोचा समझा आपका वर्जन नहीं होता, जो आपको इमिडिएटली मालूम होता है वो वर्जन जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास है। उसके बाद भी लेकिन हमने उनके सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कॉरोबोरेशन के लिए, जो फैक्ट सामने आए थे उनकी सिस्टर्स, उसके बाद से हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है नहीं हुई है। और अगर किसी को भी किसी के बारे में भी कोई शिकायत है तो अवश्य ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकते हैं, हमारे से आके मिल सकते हैं, और कोई भी उनकी अगर किसी एंगल से वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया जाए हम अवश्य इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी उस समय मिले थे, जॉइंट कमिश्नर से मिले थे, डिप्टी कमिश्नर से मिले थे, उन्होंने हमसे मदद मांगी थी कि उनके जो पौना की प्रॉपर्टी है, घर की प्रॉपर्टी, जाके सामान वगैरह चेक करने के लिए ले जाने के लिए पूरी मदद की गई थी। उस समय भी किसी प्रकार का शक या हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी शिकायत उन लोगों ने कन्वे नहीं की थी। रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या आप लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया, दोनों के बीच में सुशांत और रिया के बीच में रिश्ते कैसे थे, क्या जो आरोप बिहार पुलिस ने अपने FIR दर्ज किया उसमें कुछ भी सत्यता है, आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या आया सुशांत? अभी सत्यता तो क्या आरोप लग रहे हैं, सत्यता तो सामने, इट इज़ अ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कोई कंक्लूड नहीं हुआ है। कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, और शायद बिहार के FIR में मैंशनड है कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ साइफन ऑफ किए गए, जितना हमने अभी तक प्राइमा फेसी जितने अकाउंट्स देखे हैं, बैंक स्टेटमेंट, उनके लेजर्स, उनसे CA से जितना बातचीत हुई है, बयान लिया गया है, उसमें ये सामने आया है कि टोटल उनके अकाउंट में करीब 18 करोड़ रुपए थे, उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके FDs में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है,
बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है, लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बट हम डिटेल में एग्जामिन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स थे जिन जो इलाज कर रहे थे उनका भी हम स्टेटमेंट लिए हैं, उनसे भी संपर्क में हैं, और जो उनके उनके घर से उनका लैपटॉप या फ़ोन भी जब्त किया गया उसको भी टेक्निकल एविडेंस भी एग्जामिन की जा रही है, वो भी हमारे सामने है, और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। और भी जो कुछ लोगों के बयान हमको लेंगे अवश्य बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, एंड आई थिंक अ वेरी वेरी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड एट दिस। उनका स्टेटमेंट आपने लिया है, परिवार का पहले आरोप ये था कि वो डिप्रेशन में था, उसके बाद उन्होंने बिहार पुलिस को जाकर पूरी की पूरी कंप्लेंट जो है रिया चक्रवर्ती के सामने। क्या लग रहा है आपको पूरे मामले की 45 दिन के बाद बिहार पुलिस जाकर एफआईआर करती है? किसी भी पुलिस फोर्स को अगर उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आती है गुना दाखिल करने का अधिकार है सीआरपीसी के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, लेकिन अगर गुना आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का है तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से उसको 0 नंबर का एफआईआर नंबर देकर जो ज्यूरिसडिक्शनल जो पुलिस फोर्स होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। यही पद्धति हम भी फॉलो करते हैं, बिहार के भी कंप्लेंट्स कभी हमारे पास प्राप्त होते हैं तो गुना दाखिल किया जाता है और 0 का नंबर देकर बिहार पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से तो यही प्रोसीजर है, सीआरपीसी का प्रोसीजर यही है, जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट होती है वो भी सीआरपीसी के हिसाब से मुंबई की कोर्ट हो जाती है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की ज्यूरिसडिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई। इसकी जानकारी मुझको नहीं। नॉन कॉपरेशन का सवाल ही नहीं उठता, लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं कि ज्यूरिसडिक्शन उनका बनता है कि नहीं बनता, हम उसके हिसाब से जो भी हमारे पास करेक्ट लीगल, मैंने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो ज्यूरिसडिक्शन हमारी बनती है, अगर उनके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कोई विशेष अधिकार है तो हमको बताया जाए। हम नॉन कॉपरेट नहीं कर रहे, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन कॉपरेशन। बिहार पुलिस कह रही है रिया चक्रवर्ती जो है वो फरार है, मुंबई पुलिस के पास क्या जानकारी सर, क्या फरार है? हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है, एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। रिया फरार है सर, मैं ये किस आधार पे कह सकता हूँ? दिशा सालियन की जो सुसाइड का केस है वो 8 और 9 जून की रात का है, मालवनी पुलिस स्टेशन में रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में जहाँ उनके फियांसी रहते हैं रोहन रॉय, वहाँ उनके घर में कोई छोटा फंक्शन छोटी पार्टी चल रही थी 8 तारीख की रात को, उस पार्टी में टोटल 6 लोग हाजिर थे, दिशा सालियन, रोहन रॉय, उनके 4 फ्रेंड्स थे दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिखरे और रेशा पडवल। उस समय ये रात में दुर्घटना हुई थी जब उनको नीचे बिल्डिंग के नीचे गिरा पाया गया था, वहाँ से उन्हें शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया था, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बयान नोट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, तो यही 6 लोग उनके घर पे उस दिन हाजिर थे, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था, उनके माता पिता का बयान भी नोट किया गया है,
और उन्होंने भी इस बारे में कुछ शक नहीं बताया है। और जितनी जानकारी अब तक सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, वो ये है कि वो शायद उनके प्रोफेशनल लेवल पे शायद उनके दो अकाउंट्स कुछ ख़राब हो गए थे और उनको पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण शायद वो डिस्ट्रेस थी। ये एक कारण उनकी सुसाइड का हो सकता है, लेकिन इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये 6 लोगों से ज़्यादा वहाँ कोई व्यक्ति हाजिर नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मार्च महीने में एक बार उनकी सुशांत सिंह जी से मुलाकात हुई थी। वो एक कॉर्नर स्टोर नाम की कुछ मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी। उसके अलावा उनकी मुलाकात, जितनी हमारा इन्वेस्टिगेशन है, श्री सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं हुई थी। एंड इस बात, जब उनका नाम श्री सुशांत सिंह राजपूत से लिंक किया गया, इसकी वजह से वो बहुत डिस्ट्रेस में थे, ऐसा बयानों में सामने आया है। और श्री राजपूत बार बार ये सर्च भी करते थे, अपना नाम बार बार नेट पर सर्च करते थे, वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे। और बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च करते थे नेट पे जाके, और इस बात से बहुत डिस्ट्रेस में थे कि उनका नाम दिशा सैलियन से कनेक्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट उनका एक मैसेज इस प्रकार का प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने एडवोकेट की, उनकी पहचान की, उससे पूछा है हु इज दिशा सैलियन। तो उनकी कुछ पहचान भी नहीं थी, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार का पॉइजनस वो चलाया गया था कि उनको लिंक करने के लिए, और जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रेस। सर, सुशांत के घर में भी पार्टी हुई थी क्या उनके मौत से ठीक पहले वाले रात? हमारे पास 13-14 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है बिल्डिंग का, उससे नहीं लगता कि कोई भी वहाँ पे पार्टी उनके घर में हुई थी। रिया घर छोड़ के क्यों चली गई थी? सर, रिया क्यों घर छोड़ के चली गई थी? सुशांत के क्या रिश्ते ठीक नहीं थे दोनों के बीच में? क्या सवाल है आपका? ये सवाल क्या है आपका? प्रोफेशनल आपको ये सवाल पूछिए। Have you, in your investigation, come across any politician from any party linked to this investigation? Because that's what's being alleged on social media, that's what's being alleged that the Mumbai police is covering up. Dono hi investigation mein kisi politician ka naam abhi tak hamare samne nahi aaya hai. There is no evidence against any politician of any party in both the investigations. Sir, I think that's all. दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, कोई लिंक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लिंक दिखता भी नहीं है। एंड दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एक मालवनी पुलिस स्टेशन में चल रहा है, एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में।